बिजनेस आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। आप देख रहे हैं दावोस पर हमारी खास पेशकश विश्व आर्थिक मंच। दावोस में बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी ने बात की एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा से। इस मुलाकात में ब्याज दरों से लेकर महंगाई और विकास दर तक हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई। आखिर कैसे आने वाले दिनों में आपकी ईएमआई में हो सकता है बदलाव, देखिए इस इंटरव्यू में। नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और मेरे साथ यहां इंडिया टुडे बिजनेस टुडे के स्टूडियोज दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बने हुए हैं श्री दिनेश कुमार खारा। चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी और एक ऐसा ब्रांड जिसे हर भारतीय की जीवन में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लगाव है। दिनेश जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो रही है, थोड़ी ठंड हुई है, कल धूप थी। जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूं, और आपसे यहां बहुत लोग मिल रहे होंगे, पहले थोड़ी घर की बात कर लें। महंगाई और महंगाई के साथ अब इंटरेस्ट रेट भी महंगा होना शुरू हो रही है, तो ये क्या खेल हो रहा है दिनेश जी, समझाएं हमारे दर्शक को। देखिए, ऐसा है कि जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई तो पूरे विश्व भर में जो है इन्फ्लेशन का दौर है अभी, और उसके चलते भारत भी एक तरह से वर्ल्ड कम्युनिटी का एक हिस्सा बन चुका है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी काफी हद तक इंटीग्रेट हो गई है विद द वर्ल्ड। मेन मुद्दा जो है इन्फ्लेशन का, वो दो कारण है। एक तो जो है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस का इंक्रीज होना, और दूसरा जो है एडिबल ऑयल में प्राइस का इंक्रीज होना। अब उसमें अगर देखें, हमारा भारतवर्ष में 85% का इम्पोर्ट जो है क्रूड ऑयल का 85% इम्पोर्ट होता है। उसके चलते फिर भी मैं ये कहूंगा कि भारतवर्ष में भारत सरकार द्वारा जो अभी हाल फिलहाल कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जिनमें कि टैक्स को कम करने का एक डिसीजन लिया गया है, उसके माध्यम से जो एक कॉमन मैन को जो एक इसका इन्फ्लेशन हिट करता है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। मीडियम टर्म में कुछ ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जिसमें कि जो है एक कोशिश ये भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देकर जो हमारे देश की डिपेंडेंस है ऑन क्रूड ऑयल, उसको कम किया जाए। सिमिलरली जो इस तरह के और जो विकल्प हैं, उन सब के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। उसके चलते मेरे को आशा है कि आने वाले दिनों में हमारा डिपेंडेंस इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर कम हो पाएगा। चेयरमैन साहब, आप जब ये कह रहे हैं कि डिपेंडेंस कम होगा, अब मैं सही हूंगा ये कहने में कि ये सारे मीडियम टर्म के चीजें हैं? एकदम से महंगाई जाने नहीं वाली, और उतनी देर में आप मेरे लोन को महंगा करने वाले, फिक्स डिपॉजिट की रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब दिक्कत हर तरफ से दे रखी है आपने। नहीं, ऐसा है कि उससे पहले कि आप मैं इस मुद्दे इस सवाल का जवाब दूं आपको, दूसरा कारण एडिबल ऑयल है। एडिबल ऑयल में आपने देखा होगा कि एक तो खाने का तेल छोड़ दें, वैसे भी हार्ट के लिए ठीक नहीं है। खाने का तेल छोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन छोड़ा नहीं जाता है, तो इसलिए जो है उसके ऊपर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जो है इंडोनेशिया और मलेशिया में जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी, वो रिमूव होने के बाद और हाल फिलहाल अभी फिर से इनके ऊपर भी जो टैक्सेस हैं वो भी कम किए जा रहे हैं, तो उसके चलते थोड़ा जो सीपीआई में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है, जो एडिबल ऑयल का इम्पैक्ट आता है, वो भी काफी हद तक एड्रेस होने की आशा है। दूसरा, आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट का जो सवाल है, इंटरेस्ट रेट मैं मानता हूं कि इंटरेस्ट रेट देखने में लग रहा है कि बढ़ गया है, लेकिन अगर आप इसको इस संदर्भ में देखें। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।